और बात चुनाव की हो रही है तो प्रियंका गांधी भी इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़ी। कल प्रियंका ने केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरा था और अब उनकी संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ चुका है। बीजेपी ने वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी की घोषित संपत्ति को लेकर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनावी हलफनामे में प्रियंका गांधी ने अपनी संपत्ति कम घोषित की है और इस पर रॉबर्ट वाड्रा ने भी पलटवार किया। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से बेबुनियाद करार दिया। और चलिए अब आपको सुनाते हैं बीजेपी ने प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार पर क्या हमला बोला है। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। रॉबर्ट वाड्रा क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, कुछ तो खाऊंगा। और बीजेपी के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा ने पलटवार किया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका ने हमेशा परिवार और देश के लोगों के लिए मेहनत की है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। कोई भी आरोप जो भी होते हैं, कभी भी कोई गलत चीज नहीं हुई है, कभी भी प्रूव नहीं हो पाया है, और कभी भी अगर कोई भी सवाल है कोई भी एजेंसियों का, मैं जवाब देने के लिए राजी हूँ और जरूर राजनीति और ये सब आरोपों को अलग रखना चाहिए। और प्रियंका गांधी की संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ा है। चलिए आपको बताते हैं प्रियंका गांधी की संपत्ति आखिर कितनी। नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी की ओर से अपने हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास जो संपत्ति है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी की संपत्ति 12 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है और 4.24 करोड़ चल जबकि 7.74 करोड़ अचल संपत्ति है। बैंक, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ में निवेश भी शामिल है। एक होंडा सीआरवी कार और 4 किलो से ज्यादा सोना भी उनके पास है। इसके अलावा 2.10 करोड़ रुपए कीमत की कृषि वाली जमीन और शिमला में 5.63 करोड़ कीमत का एक घर भी उनकी संपत्ति में शामिल है। तो वहीं 15.75 लाख रुपए का प्रियंका गांधी पर कर्ज भी है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे और दूसरी खबर का जिक्र करेंगे। बटोगे तो कटोगे पर एमपी में बवाल जारी है। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय के एक वीडियो ने इसको और हवा दे दी है। अब कांग्रेस ने बीजेपी पर उसके बाद सीधा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम करती है। कैलाश विजयवर्गीय से पहले प्रदेश के धर्म और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा था कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए संगठित रहना होगा। अब सवाल आता है कि क्यों चुनाव से पहले ही बटेंगे तो कटेंगे याद आता है। इशारों में सलाह मची सियासी कलह। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही बंटवारे का है, घृणा का है, नफरत का है, और मैं मानता हूं कि देश का जो संविधान है वो एकता और अखंडता की बात करता है। बटोगे तो कटोगे वीडियो भी दिखाया। वीडियो आया, सियासी भूचाल लाया। निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बन रही हैं देश में उसमें संगठित तो रहना पड़ेगा। सोच पर सवाल, कांग्रेस का बवाल। एक वर्ग विशेष के लिए अगर वो एकजुटता की बात कर रहे हैं तो फिर उनके संविधान की शपथ का क्या हुआ? पहली
बटोगे तो कटोगे का संदेश दिया। अब कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में भारत के बंटवारे और हिंदुओं के वर्गीकरण को दिखाया गया है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा है, समझदार को इशारा ही काफी है। कांग्रेस ने इस वीडियो पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी की सोच बंटवारे की है। भारत का संविधान और महापुरुष जियो और जीने दो का संदेश देते हैं, लेकिन विजयवर्गीय का वीडियो संविधान और महापुरुषों की सोच से अलग है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही बंटवारे का है, घृणा का है, नफरत का है। और मैं मानता हूँ कि देश का जो संविधान है वो एकता और अखंडता की बात करता है, देश का संविधान जोड़ने की बात करता है, भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं भी जोड़ने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल ही कहा है चरणचूर्ण जी ने, कि देश की प्राचीन जो इतिहास है वो जियो और जीने दो वाला है। देश विभाजन भी कांग्रेस ने कराया और आज भी कांग्रेस इस तरह की जातिगत विभाजन हिंदुओं के कराकर हिंदुओं को कभी बामन, कभी ठाकुर, कभी कुर्मी, कभी कहार, कभी लोधी, कभी गड़रिया, कभी अहिरवार, कभी बाल्मीक, कभी जाति, कभी जैन, कभी बौद्ध, कभी सिख, इस तरह बांटकर अपनी पॉलिटिक्स को कैरे कर देते। हाल ही में प्रदेश के धर्म और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी कहा था कि जिस तरह की परिस्थितियां देश में बन रही हैं, उसे देखते हुए हिंदुओं को संगठित रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बन रही हैं देश में, उसमें संगठित तो रहना पड़ेगा और संगठित रहने से ही सबका कल्याण है, ये कुल मिला के उसका संदेश है। बटोगे तो बटोगे, तो वही मैं कह रहा हूँ, संगठित रहना पड़ेगा। एक वर्ग विशेष के लिए अगर वो एकजुटता की बात कर रहे हैं तो फिर उनके संविधान की शपथ का क्या हुआ, भाजपा के उस नारे का क्या हुआ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो सबके विनाश की तरफ की बात चल रही है। माननीय मंत्री जी को अपने बयान पे वापस गौर करना चाहिए। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय के वीडियो पर सियासी उबाल है। कांग्रेस ने बीजेपी पर समाज को बांटने के आरोप लगाए हैं। बटोगे तो कटोगे पर बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए बात करते हैं इंदौर की, जहां पर अंकिता और हसनैन की शादी रोकने के लिए यज्ञ किया गया है। अंकिता राठौर और हसनैन की शादी को रोकने के लिए इंदौर के एक शिव मंदिर में समृद्धि यज्ञ किया गया। हिंदू संगठन हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यज्ञ करते नजर आए। पोस्टर में कई तरह से स्लोगन लिखे गए थे। इनमें लिखा था कि जिहादी से बचाना है, अंकिता को घर लेकर आना है, अंकिता की घर वापसी हर हाल में करवाना है, फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े। अंकिता घर लौट आओ, ये जिहादी है, अंकिता ये प्रेम नहीं लव जिहाद है, ये सब तख्तियों पर लिखा गया। और हम ना ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे भविष्य में जो मुस्लिम युवकों द्वारा लव जिहाद फैलाया जा रहा है, उसको लेकर जो लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ शादियां की जाती है और बाद में वही लड़कियां 35 टुकड़ों में फ्रिज में कभी सूटकेस में मिलती है। और त्योहारी सीजन में मिलावट के मामले में लगातार ये सामने आ रहे हैं और इसको लेकर खाद्य विभाग की टीम भी छापेमार कार्रवाई कर रही है। राजधानी भोपाल में दिवाली को लेकर खाद्य विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है। खाद्य विभाग ने कई इलाकों में छापे भी मारे हैं और 6 कारखानों और दुकानों का निरीक्षण कर मावा, मिठाई और नमकीन के सैंपल भी लिए गए हैं। सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जानकारी मिल पाएगी। और जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खाद्य विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है। अलग अलग जिलों में लगातार छापामार कार्रवाई हो रही है और दूसरे मिलावटखोरों पर मिलावटखोरों में हड़कंप भी है। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये तस्वीर छिंदवाड़ा की है, जहां एक व्यक्ति मौज मस्ती में नाच रहा है, लेकिन अगले पल ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी को विश्वास नहीं होता। दरअसल पल भर में खुशियों वाले माहौल में मातम छा जाता है। देखिए कैसे एक शख्स नाच रहा है और नाचते नाचते उसे हार्ट अटैक आ जाता है। ये दो तस्वीरें देखिए आप, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक शख्स अचानक नाच रहा है, खुशी से झूम रहा है, लेकिन तभी अचानक उसे अटैक आता है और वो जमीन पर गिर जाता है।
और मौत का पता नहीं है, किसी भी समय आ सकती है, चाहे कोई हंस रहा हो या कोई नाच रहा हो। लेकिन दिल कब साथ छोड़ दे ये नहीं पता किसी को भी। रीवा में एक युवक अपने दोस्तों के साथ जमकर हंस रहा था और इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। आनंद फानंद में अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने दिल का दौरा पड़ने से युवक की मौत होने की बात भी कही है। और सतना की बात कर लेते हैं। सतना के कोटर नगर परिषद में महिला सिविल इंजीनियर को पेड़ के नीचे अपना ऑफिस लगाना पड़ा। महिला सिविल इंजीनियर का आरोप है कि 10 महीने से उसे ऑफिस नहीं मिला है और अगर अब ऑफिस नहीं मिला तो वो रोड पर ऑफिस लगा लेंगी। आपको बता दें कि वर्तमान में नगर परिषद का कार्यालय एक सामुदायिक भवन में चल रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ पर आरोप है कि भवन के 2 कमरे में उनके चैम्बर हैं, जिन पर वो ताला लगाकर चले जाते हैं, जिसके चलते महिला सिविल इंजीनियर को परेशानी भी होती है। महिला इंजीनियर की माने तो कुछ दिनों तक वो अध्यक्ष के चैम्बर में रही, अपना कामकाज करती थी, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें अपने चैम्बर से बाहर निकाल दिया और परेशान करने के लिए चैम्बर में ताला भी लगा दिया जाता है। और इसी के साथ ही 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। पूर्ण प्रदोष कालनी अमावस्या ही लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उपयुक्त है। 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना शास्त्र सम्मत होगा। प्रमाण श्लोक बताइए शास्त्र के आधार पर वो कहां लिखा है। जिस दिन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद होता है उस पूरी रात्रि में पूजन किया जा सकता है। इसका पूर्ण तरह खंडन करता हूँ। सनातन शास्त्र कहता है कि जो तिथियां हैं वो दयालंग के अनुसार हो रहा है। मैं कह रहा हूँ उसको क्यों मान रहे हो, वो कह रहे हैं उसको क्यों मान रहे हो। अरे जो श्लोक कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, भाई उसको तो मानेंगे।